ऐसा माहौल आ गया है उत्तर प्रदेश में कि गुंडों से पुलिस डर रही है, पुलिस से गुंडे नहीं डर रहे हैं। इस तरह से आज हम लोग ने अखिलेश यादव पे ही भविष्य देखा है और 2022 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अपने सत्ता में इनको नशा में चूर हैं, उनको जनता की समस्याओं का मूलभूत समस्याओं को समझ में नहीं आ रहा है। आने वाला चुनाव उनको 2022 में जिस तरह से जनता उखाड़ कर फेंक देगी, जिस तरह से इन्होंने 2017 में जनता ने इन्हें बैठाया था, ये झूठी सरकार उन्होंने वादा किए थे, तमाम तरह के जनताओं के बीच में जाकर उन्होंने झूठा वादा किया था। जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये सरकार से हमें सुविधा नहीं मिलने वाली, न जनता, न नौजवान, न किसान, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, बिल्कुल त्राही त्राही मची है उत्तर प्रदेश में। हमारे आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के शान होंगे, 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। यूपी आगामी विधानसभा चुनाव में व्यापारी मंडल एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है और इसी कड़ी में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन था, जहां पे आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव भी आए हुए थे। तो यहाँ पर जो व्यापारी आए हुए थे, चलिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्याएँ हैं, क्या जो मौजूदा सरकार है वो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, किन मुद्दों के साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं और क्या जो उनके मुद्दे हैं वो उनका समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको किसी और सरकार की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम केशरवानी। कहाँ से आए हैं? भरवारी कौशाम्बी। तो आज व्यापारी महाकुंभ था, अखिलेश यादव आए हुए थे, तो क्या समस्याएं हैं आपकी? रोजगार नहीं है, व्यापार इतना महंगा है, हर चीज इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बीजेपी सरकार में आदमी एकदम तरस है। तो क्या लगता है आप, क्या अखिलेश यादव के समर्थन में लग रहा है कि उनकी सरकार आएगी? जी। ऐसा क्यों? जनादेश आ रहा है, अखिलेश जी को जनता पसंद कर रही है, अब की बार 2022 में उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये व्यापार महाकुंभ तो बीजेपी सरकार ने भी किया था, उन्होंने भी कहा था कि हम समस्याओं का समाधान करेंगे, तो क्या मतलब क्या कारण है सपा सरकार की तरफ रुख करने का? भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं, बेरोजगारों और किसानों को, हर तबके को इन्होंने कुचलने का काम किया। यहाँ तक कल यहीं लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी अपना कैंडल मार्च कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उन्हें भी लाठी चार्ज कर इस तानाशाह सरकार ने यह पैगाम दिया कि युवाओं और बेरोजगार अब इनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के काम करेंगे। जय अखिलेश, जय अखिलेश। आपका नाम बताइए। अजय प्रताप सिंह, सिराथू विधानसभा से हम लोग आए हुए हैं, कौशाम्बी से, डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, जो कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्हीं का क्षेत्र है। आज वहाँ पे व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं। आज ऐसा माहौल आ गया है उत्तर प्रदेश में कि गुंडों से पुलिस डर रही है, पुलिस से गुंडे नहीं डर रहे हैं। इस तरह से आज हम लोग ने अखिलेश यादव पे ही भविष्य देखा है और 2022 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन के व्यापारियों की समस्या करेंगे, इसीलिए आज माननीय अखिलेश यादव जी यहां पर आए हुए थे। तो क्या विश्वास है कि अगर अखिलेश जी की सरकार आएगी तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल 101% है, पूरा विश्वास है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पे, यही उन्हीं के बस में है, वही कर सकते हैं इस काम को। बाकी बाबा जी तो आप लोग सब लोग जानते हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भिक्खी कुछ। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि योगी जी के क्या कर रहे हैं ऐसा जो व्यापारियों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं? योगी जी, पहली बात तो आज आप लोग देखे होंगे प्रतापगढ़ में एक व्यापारी यहाँ पे ही आया था सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई और जाते जाते प्रतापगढ़ में उनकी हत्या कर दी गई। पहली मूलभूत तो ये है कि उनको व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आज ऑनलाइन की व्यवस्था कर दिया है, बड़े बड़े व्यापारियों जो है, जो बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं वहाँ से कोई सामान नहीं ले रहा, ऑनलाइन से पूरा सामान आ रहा है। पहली बात तो ये एक व्यापारियों के ऊपर रोजी रोटी का सवाल है, तो यही सब समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, इन्हीं के लिए अखिलेश यादव जी आज यहाँ पे आए हुए थे। तो क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव की सरकार, क्या माहौल लग रहा है कि अब जो आगामी सरकार है किसकी बनेगी? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसके अगले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। इस समय योगी जी की सरकार में व्यापारी त्रस्त है, अपराध बढ़ रहे हैं, व्यापारियों के यहाँ लूट हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है और किसी मामले का खुलासा नहीं हो रहा है। व्यापारियों का व्यापार चौपट हुआ, कोरोना काल में व्यापारियों को किराया देना पड़ा दुकानों का, स्टाफ का पैसा देना पड़ा, लोन का पैसा नहीं भर पाया, व्यापार कर्जदार हो गया और तमाम व्यापारियों ने आत्महत्या भी किया। इस तरह व्यापारियों ने देखा
कि ये सरकार व्यापारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3/7 आवश्यक अधिनियम चुंगी तहबदारी को खत्म करके व्यापारियों को राहत देने की कार्य किया था। तो व्यापारी सोच रहा है कि ये सरकार बेकार है और अखिलेश यादव जी जब सरकार बनाएंगे तो व्यापारियों का हित होगा। 24% टैक्स लगा दिए। अभी योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, जो भट्टा व्यापारी लोग चलाते थे पहले 1% टैक्स लगता था, अब उनके ऊपर 12% टैक्स लगा दिया गया है। ये समझ लीजिए एक तरफ से व्यापारियों को बहुत बड़ी आफत है। इसी तरह कोयला का भी रेट, आज जो कोयला 9,000 रुपये में होता था, आज वही कोयला 16,000 रुपये टन मिल रहा है। इस तरह से व्यापारी बिल्कुल समझ लीजिए हर तरह से कहीं ना कहीं त्रस्त है। सरकार से व्यापारी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी इस सरकार में जब से योगी जी की सरकार आई है, वो अपने आप में मस्त हैं, कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर चला रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारा पड़ोसी अगर शरीफ है, अगर उस गरीब के घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, अगर हमारे घर में अपराधी है, अगर उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा तो कैसे इस यहाँ पर अपराध प्रदेश में कम हो जाएगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ। वो अपने सत्ता में उनको नशा में चूर हैं, उनको जनता की समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं को समझ में नहीं आ रहा है। आने वाला चुनाव उनको 2022 में जिस तरह से जनता उखाड़ कर फेंक देगी, जिस तरह से इन्होंने 2017 में जनता ने इन्हें बैठाया था, ये झूठी सरकार, इन्होंने वादा किए थे तमाम तरह के जनताओं के बीच में जाकर इन्होंने झूठा वादा किया था। जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये सरकार से हमें सुविधा नहीं मिलने वाली, न जनता, न नौजवान, न किसान, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बिल्कुल त्राही त्राही मची है उत्तर प्रदेश में। हमारे आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के शान होंगे, 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। पर ऐसा माना जाता है कि जो भी सरकारें आती हैं सत्ता में आने से पहले वो काफ़ी सारे वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादों से मुकर जाती हैं। तो क्या लगता है कि अगर अखिलेश जी सरकार में आएंगे सत्ता में तो वो अपने सारे वादों को पूरा करेंगे? मैं चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री जी हमारे 2012 में बने थे, आप इस चीज़ के खुद गवाह हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रदेश में विकास की एक गंगा लहर दिखाई, वो प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने विकास के प्रदेश को और ले गए, तमाम योजनाएं उनकी हैं। जो आप बताइए, आपको कौन से काम अखिलेश जी के पसंद आए? हमारी सबसे बड़ी काम तो उनकी योजना है, जो सड़कें हैं उनके पूरे प्रदेश में, उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने का काम किया था हमारे प्रदेश, यहाँ पर आप देख लीजिए मुख्यालय, तमाम का स्टेडियम बनाने का काम किए, तमाम ऐसे मैदानता हॉस्पिटल, आपका मेट्रो का काम किए, 102 एम्बुलेंस चलाने का काम किए, नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार देने का काम किया है, इसलिए 100 नंबर चलाए, तमाम बिजली तमाम उत्पादन उन्होंने करवाने का काम किया, जो आज बिजली मिल रही है हकीकत में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो पावर प्रोडक्ट चल रहा है इस टाइम। पर योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत रोजगार दिया है, एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, काफ़ी कुछ किया है, तो क्या ये सब सिर्फ जुमले हैं? वो उद्घाटन कर रहे हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का ही प्रोजेक्ट है जो आज वो उद्घाटन कर रहे हैं, अभी उन्होंने नया कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं जो उद्घाटन करें वो, और हमारे आने वाले मुख्यमंत्री फिर उन्होंने तमाम काम करके फिर से प्रोजेक्ट बनाने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारे 2012 से 17 के बीच में थे, तो उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्वप्रथम गरीबों के लिए 102 और 108 जैसी बेहतरीन व्यवस्था देकर गरीबों को, जो कहीं एक्सीडेंट में पड़ा रहता था, उनकी मृत्यु दर कम करने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं को जब प्रसव के दौरान उनको समस्याएँ होती थी, गरीब क्षेत्रों में, गाँव क्षेत्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्थाएँ नहीं थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 102 जैसी बेहतरीन व्यवस्था देकर उनको अस्पताल पहुँचाने का उनका। तो योगी जी तो कहते हैं कि उन्होंने भी महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा दी है, और जो 1090 है उसके प्रति मतलब काफ़ी काम किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भी भ्रष्टाचार भी कम किया है। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, आप क्या स्थिति बनी है, प्रतिदिन कहीं 6 साल की बच्ची के साथ बनारस में। तो क्या ये पहले नहीं होता था? पहले ये व्यवस्थाएँ इतनी बढ़िया थी, 1076 जैसी बेहतरीन व्यवस्था नारी सुरक्षा के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देकर इस सुरक्षा के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित किया था। मतलब आपका कहना है कि पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी और योगी जी के सत्ता में आने के बाद ये सारी चीज़ें होने लगी हैं? इस सत्ता में क्राइम ब्यूरो जो आपका देख रहे हैं, जो रेप जैसे केविस्ट मामले हैं, ये 4 गुने बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है माहौल क्या दिख रहा है कि कौन आएगा आगामी इलेक्शन में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? माहौल आज की आज व्यापारी सभा ने भी पूरा समर्थन कर दिया, माहौल 101% बन रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। क्या बोल रहे थे आप जी? माहौल पूरा मैम यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि इस बार 2022 के आगामी चुनाव में जो सरकार बनेगी सिर्फ हमारे अखिलेश भैया के ही बनेगी। बहुत ज़्यादा समर्थन में लग रहे हैं आप अखिलेश जी के, इतना क्यों खुश हैं उनके कामों से कुछ बताइए जी। उनके कारणों से इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने जब सत्ता अखिलेश यादव जी की थी तो उन्होंने इतने
पाँच साल सिर्फ विकास का ही कार्य किया, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता के लिए विकास ना हुआ हो। और ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आज युवाओं का भी भला हो या किसी का भी हो। मैं अपने खुद बोल रहा हूँ, 2016 से ग्रेजुएट हुआ हूँ, जैसे उम्र हुई है कोई भी ऐसी पूर्तियां भर्ती नहीं हुई जिसमें मैं एक रोजगार प्राप्त कर सकूं। पर योगी जी तो कह रहे हैं कि वो लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं और लगातार रोजगार दे रहे हैं। किस चीज़ की उन्होंने वैकेंसी निकाली, किस चीज़ का उन्होंने रोजगार दिया? अभी जब वो सत्ता में आए थे उस समय लेखपाल का एग्जाम होना था, पिछले 5 सालों से कोई लेखपाल का एग्जाम हुआ? कोई नहीं हुआ। मैंने लेखपाल के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, अब मेरी एज ओवर हो गई, बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर रोजगार मिलेगा, किस सरकार में मुझे रोजगार मिलेगा? जब पिछले सत्र में हमारे अखिलेश भैया की सरकार थी उस समय रोजगार भी बना था, सब कुछ हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। व्यापारी मंडल में आए हैं आप, तो क्या आप भी व्यापार करते हैं? जी, मैंने अभी गांव में अपना व्यापार शुरू किया, मैं किराने का व्यापारी हूँ, मैं कन्नौज से ग्राम जनेरी का रहने वाला हूँ, आकाश कटियार मेरा नाम है। तो क्या समस्याएं हो रही हैं आपको जिन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे आए हुए थे? जी, यहाँ पर आज हम लोगों का व्यापारी भाइयों का महाकुंभ था, इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने आए हैं। सुबह से हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय गर्ग जी, उन्होंने हम लोगों को समर्थन भी दिलाया है कि अगर सरकार बनेगी तो हम व्यापारियों को आगे हम लोगों के व्यापार में लाभ मिलेगा, हम लोगों को जो मतलब ये आज ई कॉमर्स। तो क्या योगी जी की सरकार में आपको ये लाभ नहीं मिल रहे हैं? नहीं नहीं, योगी जी की सरकार में व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। जहाँ तक नोटबंदी हुई उससे हम लोगों को व्यापारियों को दिक्कत हुई, लॉकडाउन लगा उससे हम व्यापारियों को दिक्कत हुई, हम लोगों को परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है, कोई हम लोगों के साथ नहीं हुआ व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो क्या लगता है कि अखिलेश जी के सत्ता में आने के बाद ये सारी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, हमारे नेता ऐसे हैं जो इस समस्याओं का निस्तारण करेंगे। और मैम अभी आप पूछ रही थी कि योगी बाबा जी जो कार्य कर रहे हैं क्या इनके में, अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं तो बहुत बनाई लेकिन इनकी कोई भी योजना ऐसी नहीं हुई जो सफलतापूर्वक हुई। अभी सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो एंटी रोमियो का इन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया था। आपको क्या लगता है यहाँ पर लखनऊ में अभी मैं आ रहा था, यहाँ पर कहीं एंटी रोमियो का कुछ नहीं दिख रहा था स्कॉट, सारे इनके सारे कानून ध्वस्त हैं। अभी आप बोल रहे थे महिलाएं सुरक्षित हैं, अभी एसआई का एग्जाम चल रहा था, आगरा में एक बेचारी बहन थी हमारी जो एग्जाम देकर घर जा। मैं नहीं बोल रही थी, जो सरकार बोलती है वो बातें हम आपको बोल रहे हैं। वही उसी बात के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे कानून व्यवस्था हो या कोई नए कानून बन रहे हो या भी कोई भी नियम हो, इस सरकार में किसी भी नियम का कोई सख्त नहीं हो रहा, बस वो बोलते हैं करते कुछ नहीं, बस उनके झूठे वादे हैं, सब दिखावा है और कुछ नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते भी हैं, इसीलिए आज यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं फिर से अखिलेश। तो योगी जी से पहले भी सत्ता में अखिलेश यादव थे, तो क्यों फिर आप जैसे लोगों ने वोट दिया, क्यों फिर उनको हटा करके सत्ता में योगी जी को लेके आए? योगी नहीं लेके आए थे, ये भेड़ चाल चली गई जो बीजेपी के लोगों ने गलत काम किए और सत्ता हत्या ली। लेकिन आने वाला समय फिर अखिलेश यादव जी का है, 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 360 सीट वोटों से जीतकर पूरे प्रदेश में अपना जलवा कायम करेंगे। इसमें माननीय नेताजी ने जो काम करे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हर चीज़ में व्यापारियों को इतनी सुरक्षा इतना वो दिया। क्या काम थे आपको जो काम अच्छे लगे उनके बताइए थोड़ा। उन्होंने सब जगह वेट लग रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में मेरी सरकार है, मैं व्यापारियों किसी उत्पीड़न को नहीं लाऊंगा और कोई भी किसी प्रकार का व्यापारी को उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, भलाई मुझे केंद्र सरकार इसके बदले में कुछ दे ना दे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के व्यापारियों के लिए कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा। समाजवादी नेताजी ने हमेशा व्यापारियों का साथ दिया और व्यापारियों के लिए अच्छा काम करा, और आने वाला समय 360 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के, मैं सुरेंद्र सिंह भाटिया जिलाध्यक्ष बरेली से बोल कह रहा हूँ कि 360 प्रदेश में सीटें आएंगी, ईश्वर की कृपा से आएंगी, जनता का जनादेश है, आपकी यूपी में अखिलेश है। समाजवादी पार्टी